स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड फॉर्म है 1.13.2। इसमें भी कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी के बारे में है कि कोई फंक्शन एफ जो बाउंडेड है वो इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी पे। कब होगा? इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर कोरस्पोंड्स डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें भी देखिए नॉर्म पी लेस देन डेल्टा का जिक्र है, तो ऐसा ही कुछ हमने डारबक्स थ्योरम में किया था, तो डारबक्स थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे, इसमें भी दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में द कंडीशन इज नेसेसरी, वापस को लिखो या ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि लेट ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो ये तो हमने यहाँ पर कर दिया कि ये लेट कर लिया, और ये दो लाइनें हम प्रूव करेंगे। तो इंटीग्रेबल होने की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? वो डेफिनेशन है कि जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है और जो हमारे पास अपर इंटीग्रल है और जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो सेम रहेंगे। इसको नंबर वन ले लेंगे। अब देखिए, अब इसको लेके चलते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो अब उसको लेंगे नाउ लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये दे रखा है लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। अब इसमें जो सारा नेक्स्ट का जो डेल्टा का जिक्र है, नॉर्म पी लेस देन डेल्टा है, तो उसके लिए डारबक्स थ्योरम यूज करते हैं। तो यूजिंग डारबक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। क्या डेफिनेशन, क्या स्टेटमेंट थी उस डारबक्स थ्योरम की? कि अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव दे रखा है तो हमारे पास एक ऐसे डेल्टा मिलेगा सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। तो ऐसे कह रहा है कि उन सभी पार्टीशंस के लिए जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास कि यू एफ पी इज लेस देन इंटीग्रल ए बी बार, यानी अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन बाई टू। इसको नंबर टू ले लेते हैं। एंड एल एफ पी इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस में एप्सिलॉन बाई टू, ये नंबर थ्री आ जाएगा। तो ये डारबक्स थ्योरम के रिजल्ट्स हैं। नाउ यूजिंग वन एंड टू एंड थ्री, इस वन का इन दोनों में यूज करते हैं तो हमारे पास बचेगा यू एफ पी दिस इज लेस देन, इसकी जगह हम लिख देंगे जस्ट इंटीग्रल ए बी प्लस एप्सिलॉन बाय टू। इसको ले लेते हैं नंबर फोर। और जो ये है इसको भी हम क्या करेंगे, एल एफ पी इज ग्रेटर देन, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे जस्ट इंटीग्रल ए बी माइनस में एप्सिलॉन बाय टू। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए इसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव कर दो। तो दिस इंप्लाइज माइनस एल एफ पी लेस देन माइनस ए बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू। इसको नंबर फाइव ले लेते हैं। अब इन फोर को और फाइव को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा यू एफ पी माइनस में एल एफ पी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा, एप्सिलॉन ही आ जाएगा। तो देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, और ये किसके लिए, फॉर ऑल पी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन है।
अभी करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, जिसमें जो प्रूव किया उसको लेट करके चलेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन एंड फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा वी हैव यू एफ पी माइनस में एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हमने लेट कर लिया आपकी बार, और प्रो क्या करेंगे कि एफ इज इंटीग्रेबल, और इंटीग्रेबल के लिए जो अपर इंटीग्रल है और लोअर इंटीग्रल है उनका डिफरेंस निकालना है। तो नाउ वी नो दैट कि जो लोअर इंटीग्रल है दिस इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, एंड अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। किसी भी अपर सम के लिए हो सकता है, यहाँ पर पी के लिए भी हो सकता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम, वो भी किसी भी पार्टीशन पी के लिए ये चीज ट्रू है। अब इनका डिफरेंस देखें, इट विल बी लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ यू एफ पी माइनस एल एफ पी। अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी हमारे पास क्या लेस देन एप्सिलॉन है, सो दिस इंप्लाइज अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन इज पॉजिटिव आर्बिट्रेरी। Therefore, these two integrals will be equal. This shows that f is integrable.